Dear students assalam alaikum I am maroof teacher starts explanation for ninth class poem to kuku stanza or paragraph 4 explanation of the poem <laughs> the same home in my school days i listened to that cry which made me look a thousand ways in bush and tree and sky to seek thee did i often review Though woods end on the green, and though wert still a hope, love still long Lloyd for never seen. And I can listen to the yet, can lie upon the plain and listen till I do beget that golden time again. बच्चों ये जो फोर्थ पैराग्राफ है ये फोर्थ स्टैजा जो है पोएम का इसकी एक्सप्लेनेशन है द्राई कड़ाई का मतलब है सॉन्ग आवाज द सेम बूम इन माय स्कूल डेज पोइट कहता है कि परिंदे से मखातब हो के वो अपने बचपन के दिनों को याद करता है जब वो स्कूल बाए था स्कूल जाता था तो जो परिंदे की आवाज़ सुर हुआ करती थी उस सुर के पीछे वो पीछा करता था और सुना करता था शायर बोलता है कि जब उसकी वो सुर को सुनता था फिर उस सुर के पीछे पीछे भागता था और एक छोटा परिंदा था वो कहीं जाड़ियों में छुप जाया करता था और पोइट इसको कभी भी ढूंढ नहीं पाता था और उसके पीछे भागा करता था आज भी वही चीज़ है आज वो पोइट जो है इस स्टेज पे है बचपन के ही स्टेज में है उसी ख्याल में है उसी इमेजिनेशन में है वही इमेजिनेशन उसके जहन में है कि ए परिंदे मैं तुम्हारी तलाश में हूँ अक्सर हरी हरी घासों में जंगलों में खोजा करता था आंदे आपको तो ये जो जैसे कि इसमें आ रहा है कि स्टिल आई लॉ फॉर नेवर सीन और मैं आपको जंगलों में खोजा करता था उसी क्योंकि ये जो कुकु बर्ड है ये चिड़िया थी वो इसकी प्यारी चिड़िया थी वो इस मेद में था कि वो इससे एक दिन ज़रूर ढूंढ लेगा लेकिन वो ढूंढ नहीं पाता था उसका पीछा करते करते थक जाता था और पोइट कहता है कि मैं अभी भी तलाश में हूँ जैसे मैं बचपन में आपको घास के मैदानों में आसमान में खोजा करता था ढूंढा करता था तो ये जो पैरा है ये इसकी ये एक्सप्लेनेशन है कि प्लेन में और आई टिल आई डू बी गेट डू बी गेट का मतलब होता है एक्सपीरियंस में उसी तजर्बे को दोबारा दोड़ाना चाहता हूँ तो पॉइंट बोलता है कि अगर वो गोल्डन एज वो जो बचपन था फिर दोबारा लूट के आए वो उन्ही दिनों को याद करता है तो उस परिंदे की वो खोज में वुड्स में जंगलों में जाता था ग्रीन गारी घास में और इसी उम्मीद में था उसी की के एक दिन जरूर ढूंढ लेगा तो नेक्स्ट जो है लास्ट पैराग्राफ ऑफ द पोइम इज दिस वो ये है आओ आओ बलस्ट बर्ड द अर्थ वी पेस अगेन अपीयर्स टू बी एन अनसब्स्टेंशियल फेवरी प्लेस दैट इज ए फिट होम फॉर दी आओ ब्लस्ट बर्ड मीन ए सुखी परिंदे क्योंकि परिंदे को कोई भी दुनिया को गम वो वो फिकर नहीं होता है तो ब्लिस्ट बर्ड कहता है ब्लिस्ट इसलिए पॉइंट कहता है कि जो परिंदे को देखकर कर परिंदे से ही वो कहता है कि आत हुई पेस जिस जमीन के ऊपर हम चलते हैं पेस में चलना अगेन अपीयर टू बी एन अनसब्सटेशन ऑन रियल फेरी ही फेर होता प्लेस परयू की जगह दैट इज फिट होम फादर दी ये जो घर आपके लिए फिट है परिंदे को हाथों बो तो के लास्ट पैराग्राफ में शायर बोलता है कि ए, ए, ए परिंदे सुखी परिंदे ए पंछी ये आपकी वजह से ही ये ज़मीन जिस पर हम चलते हैं ये आबाद है और आपकी ही सुर की वजह से इसके अंदर रौनक दोबाला हो जाती है और ये जो ज़मीन है जब इस परिंदे ज़्यादा होते हैं हरी हरी घास होती है इस पर और आप जैसे परिंदों कुकू की आवाज़ इसको एक परियों की ज़मीन बना देती है और जब इस किस्म के परिंदे जब बोलते हैं तो कि एक दुखी इंसान जो होता है ये मटेरियलिस्ट जो वर्ल्ड है इंसान इसके अंदर दुनिया में खोया हुआ है जब परिंदों की खूबसूरत आवाज़ कुकू की आवाज़ सुनता है तो आपने तमाम दुख दर्द भूल जाता है तो इसलिए ये फेरी लैंड कि परियों की ज़मीन है ये, क्योंकि ये ऑन स्टिया तो ऐसी ज़मीन पर वो परिंदे को कह है ये आपके लिए ही ज़मीन बनी है तो आप ही इस ज़मीन के ऊपर आबाद रहो तो ये एक्सप्लेनेशन थी पोएम की तो इसके साथ ये कंप्लीट हो गई है तो इन आगे हम फर्दर जो इसका बाकी पार्ट है वो भी करेंगे तो आई होप के आज की जो एक्सप्ले समझ में आई होगी खुदाफी अल